रहीम लेडीज एंड जेंटम वेरी वार्म वेलकम टू लेसन सेवन एंड हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल रिस्क द अनसर्टेनिटी एंड थ्योरी ऑफ नाइट बेरिंग नाइट जिसका हमने डिस्कशन के अंदर देखा कि प्रीवियस लेसन के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया इसकी इकोनॉमिक अप्रोचेस को फिर हमने मोटिवेशनल अप्रोचेस देखी फिर हमने साइकोलॉजिकल अप्रोचेस देखी और फिर हमने चंद जगहों के ऊपर हमने इसको थियोलॉजिकल भी देखा कि थियोलॉजिकली इसकी क्या रिलेशंस डेवलप होते हैं जहाँ हमने मैक्स वेबर को देखा और आपने आ, इस चीज़ को समझने की कोशिश भी की कि उन्होंने पूरा केस हिंदुज़म पे भी दिया था और कहा कि जहाँ मज़हब होता है वहाँ पर मुमकिन हद तक जो आंटरप्रनोरियल एक्टिविटी या इकनॉमिक एक्टिविटी काम होती है लेकिन कुछ जगहों के ऊपर इनके आइडिया को रिजेक्ट किया गया इसी तरीके से एक डिफरेंट आइडिया यहाँ पर जब था कि इकोनॉमिक्स एंटर हो गई और आंटरप्रोर पेपरियल आइडिया को इनोवेशन से रिलेट किया जाता था वो इनोवेशन क्या है जी वो इंजीनियरिंग की थी वो डेवलपमेंट की थी वो स्ट्रक्चर्स की थी यानी उसके अंदर गैप फाइंडिंग की थी और बेसिकली उसको रिलेट किया गया कि जस्ट हैव टू टेक अ रिस्क और रिस्क के साथ अनसर्टेनिटी को रिलेट किया गया सो देर इज अ को रिलेशनिंग बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इसको मजीद फर्दर जब इकोनॉमिस्ट ने टेकअप किया तो इसका आइडिया डिफरेंट कर दिया उन्होंने कहा देर इज रिस्क अनसर्टेनिटी बट एक और नई चीज है वो है कि आंटरप्रनोर के लिए जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड होता है अब रिवॉर्ड रिस्क और आपका अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी अच्छा सर्टन चीजें जो हैं वो बिजनेस मोटिव के साथ रखी गई लेकिन बिजनेस को भी आप बिल्कुल अनसर्टेनिटी के साथ नहीं रख सकते फिर डिवाइड किया गया कि अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी के अंदर फर्क क्या है सर्टन ये है कि मुझे ये चीज़ें देनी है मेरे फिक्स एसेट्स हैं मेरे ये डेवलपमेंट्स हैं मेरी ये मार्केट है लेकिन अनसर्टेनिटी पहले जमानों के अंदर जरा और थी उसमें यह था कि फॉर एग्ज़ाम्पल फायर फाइटिंग आ जाती है फॉर एग्जाम्पल आपकी अनसिनेबल uh, क्रांच आ जाता है मार्केट के अंदर फिर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ह्यूमन uh, रिसोर्स के अंदर चेंज आ जाता है आपकी रॉ मटेरियल के अंदर कोई फर्क आ जाता है इसको अनसर्टेनिटी कहते थे कि जिनको uh, मतलब आप मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि सम हाउ उसको मैनेज किया जा सकता है बट वो मैनेजेबल रिस्क होता था और उसको बिजनेस के साथ प्रॉफिट मोटिव के साथ रिलेट कर देते थे जो जो वक्त गुजरता रहा तो इकोनॉमिस्ट आते रहे थे जिसके अंदर मैंने अर्ज की कि एक आइडिया ऑफ रिस्क आया अब रिस्क के साथ दो चीजें मैं इन्वॉल्व करने लगा और रिलेट करूंगा वह है कैलकुलेबल और अनकैलकुलेबल सो कैलकुलेट कर सकते हैं या अनकैलकुलेटेड होता है सो so कैलकुलेटेड है या अनकैलकुलेटेड है वी कैन कैलकुलेट और अनकैलकुलेट अच्छा अब रिस्क कैलकुलेट है या कैलकुलेटेड होता है या नहीं होता तो देखिए अ uh, कैलकुलेटेड में वही चीजें वही सर्टन चीजें आ सकती हैं या अनसर्टन चीजें भी आ सकती हैं जिसके अंदर हम बड़ा डिजास्टर ला सकते हैं तूफान ला सकते हैं आंधी ला सकते हैं तो वो तो पूरे पूरे बिजनेस का सफाया है उसको हम मिटिगेट नहीं कर सकते लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हमने आ, उसके अंदर देखना है कि अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं और कंटिजेंसी प्लान क्या हो सकते हैं तो आंटरप्रन्य ने एक नया आइडिया दिया जहां पर प्रॉफिट उनका रिवॉर्ड है वहां उनका प्रॉफिट एक और आइडिया भी है वो वहां पर ये है कि वो इसको अनसर्टेनिटी को सर्टन भी करते हैं और मैनेजेबल भी करते हैं और फिर क्या करते हैं उसको कैलकुलेटेड करते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो कैलकुलेट क्या है क्योंकि आपने रिवॉर्ड्स के लिए लेना है और उसका डायग्राम जो पैराफर्नेरिया है उसको बढ़ा दिया गया जब वो पैराफर्नेरिया बढ़ा दिया गया तो उसके रिजल्ट के अंदर एक और चीज आई

सो so, यहां पर बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने कहा क्या मिटिगेट का लवस ही यहां से आया है कि आपने अल्टरनेट रखने और कंटिजेंसी प्लान रखना है टू मिटिगेट रिस्क देखें इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क हर जगह पर है अब यहां तक भी अब रिस्क को इसमें इंक्लूड कर दिया गया कि यानी जो डिजास्टर अनसीन अनोन और अननोन बिहेवियर यानी इन्वॉर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है पोलिटिकल साइड से भी हो सकता है टेक्नोलॉजिकल साइड से भी हो सकता है टेक्नोलॉजी सारी की सारी ऑप्सरीट अगले साल हो सकती है छः महीने बाद भी जा सकती एक ज़माना वो चला गया जिसमें फ्लॉपी फुलौ, फुलौ, का ज़माना था एंड uh, uh, मुझे ख़ुद से याद है कि हम टीचर्स को uh, बताने के लिए कह देते थे कि जी हमने असाइनमेंट बनाई है वो नहीं बनती थी तो पता चलता था कि अक्सर फ्लॉपी नहीं चलती सो so, हम दे दिया करते थे और कई लोगों को मेरे तो कई दफ़ा फ्लूक लगे और कहा कि जनाब uh, ऐसा हो गया लेकिन बाद में फिर उसको मिटिगेट उन्होंने इस तरीके से किया कि उस आ, आ, को पकड़ने के लिए कि उन्होंने कहा कि ये फला चीज जो है हमें प्रिंटेड फॉर्म में भी चाहिए लेकिन उसके बाद जब आपका यूएसबी का ज़माना आया तो टेक्नोलॉजी ऑफ सिलीट हो गई फ्लॉपी से फिर डिस्क आया डिस्क से बाद फ्लॉपी से बाद डिस्क आया डिस्क के बाद फिर आपने देखा कि यूएसबी आई यूएसबी के पास जो है वो बहुत कम जराए होते हैं कि जी ये करप्ट हो गई तो आप कहेंगे दूसरा ले आओ तीसरा ले आओ तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है चीजें ऑफ की तरफ जा रही सो so, हमने यहां पर देखा कि हम अनसर्टेनिटी को जब देखने हैं, तो नाइट कहते हैं कि प्रॉफिट इज तो मैंने भी यही अर्ज किया कि प्रॉफिट इज रेजिडल दैट बिटवीन रेवेन्यू एंड द कॉस्ट अच्छा रेवेन्यू और कॉस्ट के दरमियान में वो रेजिडल होता है एक रिजाइडल किस्म का बेनिफिट होता है कि आपने सर्टन चीजों को चलाने के लिए आपने चलना है, लेकिन आपका रिजल्ट आपकी नजर जो है आपकी जो कमांड है वो सितारों पर हो रही होती है आप बड़े आइडियाज को देख रहे होते हैं बड़ी अचीवमेंट को देख रहे होते हैं और जो सर्टन चीजें आपको वक्त गुजारने के लिए चाहिए आपको सिर्फ उतना रिक्वायर्ड होता है आप ज्यादा नहीं एंगेज करते एंड दैट रेवेन्यू एंड दोस्ट दैट आर कॉन्ट्रेक्चुअल और इम्प्यूटेबल कैन बी कॉन्ट्रेक्चुअल इफ द आंटरप्रन चूज नॉट टू बेयर देम हिमसेल्फ So, अब यह भी हो सकता है कि वो आ, ये जो आंटरप्रन खुद है उसने कहीं आउटसोर्स कर रखा है या लोगों को रेलिवेंट कर रखा है तो वो उनके ऊपर डाल देगा अब यहां पर वो इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आंटरप्रन इनकम में बी डिस्टिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल रिटर्न रिसीव फ्रॉम सर्विसेस बाय पॉइंटिंग आउट दैट द लेटर आर इंप्यूटेड वैल हिज ओन इनकम इज रेज अच्छा अब इसके ऊपर मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको दो चीजें अर्ज करना चाहता हूँ आपने मैकेंटॉश का नाम सुना होगा स्टीव जॉब ने रेजिडुअल इनकम एंकर करते थे अच्छा उसके अंदर बड़े प्रॉफिट्स भी ले सकते थे फिर जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया सब कुछ दे दिया लेकिन कॉपीराइट्स का पैसा उनके पास ऑलरेडी आता था अच्छा आप ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप बिंग सीईओ किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या आप किसी कंपनी को चला देते हैं और आपने सारा उसी तरीके से ओन करना है बींग आइडिया को उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑल टुगेदर बिल्कुल रेजुवेंशन की तरफ चले जाते हैं अच्छा रेजुवेंशन का लफ्ज आप नोट कर लीजिए रेजुवेंशन का मतलब रीब्रांडिंग भी हो सकता है रीजनरेटिंग भी हो सकता है और इसको हम मजहबी तौर पे तो लफ्ज अच्छा नहीं कहते री इंकारनेशन भी हो सकता है लेकिन मैं ब्रांड के लिए लफ्ज अक्सर इस्तेमाल करता हूँ री इंकारनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और री इंकारनेशन ऑफ ब्रांड बल्कि इसको आप यूं भी आप देख लें कि एक उकाब की स्टोरी आपको मैं सुना देता हूं जो थोड़े से टाइम के लिए होगी इसको शॉर्ट करते हुए कि जो ईगल है उसके पास दो लाइफ लाइन होती है। एक जो जिंदगी वो गुजारता है उसके साथ तीस साल तक वो जबरदस्त उड़ान भरता है कभी नहीं सोचता जिस दिन शिकार के लिए ठान लेता है उस दिन अपना शिकार ले जाता है तीस साल बाद उसके ऊपर पर भारी हो जाते हैं चोंच उसकी टेढ़ी हो जाती है पंजे उसके कमजोर हो जाते हैं अब वो इस हालत में या तो परफेक्ट शिकार करता है या वो मरने को तरजीह देगा अब उसके पास दो ही चीजें हैं या रीबर्थ ले या फिर वो आ, 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 अपने आप को मरने दे सो वो रीबर्थ के लिए उसको एक बड़े हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे प्रोसेस ऑफ चेंज कहते हैं तो प्रोसेस ऑफ चेंज क्या है कि अपने परों को नोचता है फिर अपने नाखूनों को काट देता है तोड़ देता है और फिर अपनी चोंच को आखिर पे पत्थर पे मार के तोड़ देता है और ऊंचे किसी टीले के ऊपर वो छः महीने का इंतजार करता है फिर नए पर उगते हैं नए नाखून आते हैं और नए उसके बीक आता है और फिर से वो नया रीबर्थ फेमस रीबर्थ होता है और फिर वो अगले तीस से चालीस साल तक जिंदा रहता है सो तो ये मैंने बर्थ की रियल और ईगल की रियल स्टोरी आपके सामने अर्ज की सेम ऐसे केस के जो आंटर होता है वो अपनी इनकम खुद डिसाइड करता है किसी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनी इनपुट कर सकता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी कर सकता है सो इफ द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेरिंग और हैजर्ड ये अनसर्टेनिटी के साथ नहीं आता सो दैट गिव्स राइज टू प्रॉफिट इट फॉलो द अनसर्टेनिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद द इंश्योरेबल है इंश्योरेबल है कुछ दो होते हैं वो समझ लीजिए हैजर्ड तो एक समझ लीजिए जो आपके रोड साइड के ऊपर भी हैजर्ड्स लगे होते हैं सो so, एक श्योर sure है एक इनश्योरेबल हैं सो रिस्क ऑन द अदर हैंड इज इंश्योरेबल है तो so, so, याद रखिए कि जो रिस्क है वो हमेशा हमारा इनश्योरेबल होता है उसकी इश्योरेंस कोई नहीं होती कंफर्मेशन नहीं होती लेकिन उसका जो विजन है उसका जो मिशन है वो उसके लिए रिजल्ट देता है और विजन का अकम्पलिशमेंट उसका रिवॉर्ड है और प्रॉफिट यानी इन टर्म्स ऑफ आप रेवेन्यू कह लें या पैसा कह लें वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है जिस पे हमेशा उसकी नजर होती है लेकिन याद रखिए कि एंटरप्रेन्योर के अंदर बेरिंग कैपेसिटी एक्स्ट्रा होगी तो वो एंटरप्रेन्योर होगा थैंक यू वेरी मच